पिछले दिनों कुवैत में एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहां काम करने गए 45 भारतीय लोगों की जान चली गई थी। कुवैत में मारे गए भारतीयों के शव शुक्रवार यानी 14 जून को भारत लाए गए। इस आग में मरने वालों को भारत सरकार अलग अलग माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आगे आ रहे हैं। वहीं मलयाली मूल के 2 उद्योगपतियों ने भी मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केरल सरकार के मुताबिक लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली ने हर मृतक के परिवार के 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। वहीं रब्बी पिल्लई ने हर मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली और कितने संपत्ति के हैं मालिक। केरल के त्रिशूर में 1955 में यूसुफ अली का जन्म हुआ था। यूसुफ के पिता वहाँ किराने की छोटी सी दुकान चलाते थे। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया। इसके बाद वो 1973 में यूएई में रिटेल स्टोर चलाने वाले अपने चाचा के पास चले गए। यूसुफ ने अबू धाबी पहुंचकर आयात निर्यात के धंधे में हाथ आजमाया। इस सिलसिले में उन्हें काफ़ी यात्राएँ करनी पड़ी। इस दौरान ही उन्हें सुपरमार्केट खोलने का आइडिया आया। उनकी इसी आइडिया ने करोड़ों का बिजनेस खड़ा करने में उन्हें मदद किया। दरअसल यूसुफ अली अपने दानवीर छवि के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। यूसुफ अली लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के प्रमुख हैं। देश भर में मशहूर लुलु मॉल की श्रृंखला को यही ग्रुप चलाता है। यूसुफ अली के कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक लुलु ग्रुप दुनिया के 25 देशों में कारोबार करता है। इसके 260 से अधिक रिटेल आउटलेट हैं। इस समूह में 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। इस कंपनी के मॉल की बात करें तो ये हैदराबाद, कोची, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ और कोयम्बटूर में है। लुलु ग्रुप की योजना भारत के 12 और शहरों में मॉल खोलने की है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक लुलु ग्रुप रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल इस्टेट और फिल्म में कारोबार करता है। इसका सालाना कारोबार $8 अरब का है। यूसुफ अली का नाम विदेश में सबसे अधिक भारतीयों को नौकरी देने वाले शख्स के रूप में भी दर्ज है। इसके अलावा जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग के मालिक NBTC ग्रुप ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को आपातकालीन सहायता के रूप में 8 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही कंपनी आर्थिक मदद के अलावा उनके आश्रितों को रोजगार और अन्य भत्ते भी देगी। जबकि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये के अनुग्रह राहत की घोषणा की है। तो ये थी कुवैत अग्निकांड से और राहत राशि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।